सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कोझिकोड जिले के चन्ना रोड में वायरस संक्रमण से मौत के बाद कम से कम 30 परिवार घर छोड़कर चले गए। स्वास्थ्य कर्मचारी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चमगादड़ों को पकड़कर मारने में जुटे हुए हैं। गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने मरे हुए चमगादड़ देखे थे, मगर इस पर ध्यान नहीं दिया था। फ्रूट बेड प्रजाति के चमगादड़ इस संक्रमण को तेजी से फैलाते हैं। इसकी वजह ये है कि एक मात्र स्तनधारी चमगादड़ है जो उड़ सकता है। ये पेड़ पर लगे फलों को खाकर संक्रमित कर देता है। जब पेड़ से गिरे इन संक्रमित फलों को इंसान खा लेता है तो वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को निपा वायरस फैलने से सबसे अधिक खतरा है। ये बीमारी लाइलाज है। संक्रमण के बाद बीमारी को बढ़ने से नहीं रोका गया तो 24 से 48 घंटों में मरीज कोमा में जा सकता है और उसकी मौत हो सकती है। चमगादड़ और सुअर से फैलता है संक्रमण। फल और सब्जी खाने वाले चमगादड़ और सुअर के जरिए निपा वायरस तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण जानवर और इंसानों में तेजी से फैलता है। तो आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या है। धुंधला दिखना, चक्कर आना, सिर में लगातार दर्द रहना, सांस में तकलीफ और तेज बुखार। तो अब आगे जानते हैं कि इनसे बचाव कैसे करें। पहला, पेड़ से गिरे हुए फल ना खाएं। दूसरा, जानवरों के खाने के निशान हो तो ऐसी सब्जियों को ना खरीदें। तीसरा, जहां चमगादड़ ज्यादा रहते हो वहां खजूर खाने से परहेज करें। और चौथा, संक्रमित रोगी जानवरों के पास ना जाएं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।